बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इजी टू कुक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी चावल के साथ। इसके लिए मैंने बैंगन ले लिए हैं, आलू लिए हैं, हम बैंगन मैंने ले लिए हैं 4 से 5 अदर, उसे मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है स्क्वायर शेप में, और इन्हें मैंने पानी में डिप कर दिया है नमक वाले ताकि ये काले ना हो। 4 अदर मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैं क्यूब्स की शेप में कट कर लूँगी स्क्वायर शेप में। ज़ीरा लिया है, लाल साबुत मिर्च ली है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, टमाटर लिए हैं मैंने 4 अदद और हरी मिर्चें 4 से 5। सबसे पहले हम अपनी पतीली ले लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल 1 बड़ा चम्मच, ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और लाल साबुत मिर्च, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें, टमाटर और हरी मिर्चें हम शामिल करने के बाद हम इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी में हम शामिल कर देंगे अपने आलू, आलूओं को मैंने दरमियाना काट लिया है, ना बहुत छोटा काटा ना बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं काटना क्योंकि हम इस खाने को बग़ैर पानी के बनाने वाले हैं, तो छोटे साइज़ का काटें ताकि आसानी से जो है वो गल जाए। बहुत खूबसूरत सा कलर इसका लग रहा है। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे, अच्छी तरीके से इनकी भुनाई करेंगे। बग़ैर पानी के हमें इसे बनाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सब्ज़ियों में अपना इतना पानी होता है वो आसानी से इसमें गल जाएंगी। इतना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे अब ढक कर रख देंगे 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक, या आधे घंटे में बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। जी व्यूवर्स, आधा घंटा हमारा गुजर चुका है, ये हमारी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम चमचे की मदद से टमाटर अपने बैंगन को जो है वो तोड़ लेंगे क्योंकि ज़्यादा खड़े खड़े जो हैं अच्छे नहीं लगते, मसाला लगा हुआ हो अच्छी तरीके से आपस में तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरे बैंगन आलू की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। दूसरी साइड पर मैंने चावल का पानी रख दिया है, मैंने पानी रखा है, उसके अंदर मैंने 5 चम्मच जो है नमक के डाल दिए थे। पानी में जब बॉयल आ गया तो मैंने इसमें भीगे हुए चावल को शामिल कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक बॉयल करूँगी और उसके बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। दस मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे जो हैं वो उबलने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। स्ट्रेन करने के बाद एक बड़े पतीले में मैंने चावलों को शामिल कर दिया है, इसमें मैं घी या ऑयल लगाऊंगी। मैंने ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का शामिल किया, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चावल हमारे बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा मैंने इसे सॉफ्ट नहीं किया है।
खिले खिले से मैंने चावल रखे हैं, अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। चावल हमारे दम पर आ गए हैं, 10 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें चावल बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं, बहुत सॉफ्ट से बने हैं। अब मैं डिश आउट करूँगी। हमारे बैंगन आलू चावल के साथ तैयार हैं। एक नींबू का रस मैं बैंगन में शामिल कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बैंगन आलू ये हमारा तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।